भी नहीं कहा, उपद्रवियों पर ठीकरा फोड़िया। बने रही हमारे साथ, लेकिन बाबा सूरज पाल ने हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसके भक्त ही इन दावों पर अब सवाल उठा रहे हैं। दरअसल हाथरस हादसे पर पीड़िता का बहुत बड़ा खुलासा है। बाबा ने खुद चरणों की धूल लेने के लिए कहा था, ये कहा है वहां की पीड़िता ने। बाबा के बोलने के बाद ही वहां पर भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तो लोग नीचे दब करके मरने लगे। बाबा ने भगदड़ के बाद पीछे पलटकर भी नहीं देखा कि कहीं किसी को चोट तो नहीं आई। उन्होंने चरणों की धूल लेने के लिए तो कह दिया अपने भक्तों से, लेकिन पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है, कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है, कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। पीड़िता को और इस बीच